ओल्ड मंग में भी हमारे पास चार वेरिएंट मिल जाएगी। अच्छा, चार वेरिएंट से आप में ओल्ड मंग में, ओल्ड मंग में। तो इसकी कॉस्ट आ जाती है आपको रेगुलर ओल्ड मंग जो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं 350 रुपीज की। अच्छा, 350। ओके, तो इनकी क्या कॉस्ट होने वाली है? इट्स 450। आज तक देखा होगा कि लाइक फ्रिज के अंदर पियर सब होती है, बट गाइस मैं आपको अभी रूम दिखाने वाला हूँ, जो कि गाइस आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे पहले से टेम्परेचर सेट कर रखा है, जो कि गाइस आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिख रखा है। तो अभी मैं आपको इसके अंदर जाके दिख देना, तो सबसे बेस्ट देना है या किसी को कंजप्शन है स्मॉल या बेसिकली यूज ऑफ। प्लास्टिक सेक्शन देख ही लिया गाइस, तो अब मैं आपको इंपोर्ट सेक्शन में जा रहा हूँ जहाँ पे गाइस सारे आपको इंडिया से बाहर सबके गाइस रम व्हिस्की वोडका वाइन सारी चीजें मिलने वाली। अच्छा, ये हॉलैंड का है? ओके, बढ़िया। सारे फ्लेवर्स में है ना, ये फ्लेवर लिखे हो रहा। अच्छा, 2,40,000 रुपए का है। यो गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस आज आपने देखा कि मतलब किस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। तो एक्चुअली गाइस मैं एक साल पहले गोवा गया था, तो उस टाइम पे यार मैं लिकर शॉप एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, तो आपने काफ़ी लोगों ने बोला था, तो मैंने कहा यार तब तो चलो यार बना नहीं पाया क्योंकि न्यू चैनल पर वर्क करना था, तो क्यों ना अब चला जाओ। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ गाइस जो यहाँ की सबसे बेस्ट है मेरे यहाँ के, जहाँ पे आपको ड्यूटी फ्री से भी कम प्राइस में गाइस आपको होलसेल प्राइस में लाइक विस्की वोडका रम टकीला शैम्पेन ये सब काफ़ी कम प्राइस में मिलने वाले, जहाँ पे बॉयज़ भी जा सकते हैं गर्ल्स भी जा सकते हैं, मतलब कोई भी वहाँ से बाई कर सकता है। तो मैंने सोचा यार एक बार यहाँ पे मतलब आप लोगों को दिखाया जाए जहाँ से आप भी बाय कर सकते हो। इवन गाइस बात ये भी है कि गाइस मेरे जो व्यूअर है वो 22 से 28 साल तक के एज के 78% से भी ऊपर है, तो मैंने सोचा यार बनाया जाए। बाकी गाइस मेरा कैब भी आ चुका है, जो कि गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मेरा थोड़ा वेट कर रहा है। तो यार गाइस चलते, क्योंकि मेरे यहाँ से थोड़ा दूर है, मतलब कुछ 78 किलोमीटर अवे है मेरे यहाँ से, तो मैंने सोचा यार सो गाइस चलते हैं फिर। ओके, तो गाइस दोस्तों जिस जगह की मैं बात कर रहा था, तो गाइस मैं फाइनली पहुंच गया हूँ यहाँ पे जी टाउन वाइन में। तो यहाँ पे गाइस काफ़ी सारे कार सब लोगों ने लगा रखे, जो कि गाइस आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था। सो देखते हैं, बाकी मैं आपको इंट्रो दिखाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बना रखा है गाइस। गाइज आप देख सकते हो, और ये तो गाइज सिर्फ इंडियन सेक्शन है, इंपोर्ट सेक्शन भी है। बाकी जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओल्ड मोंग जो ठंड में आप लोग सबसे ज़्यादा पीते हो वो भी है यहाँ पे। तो अभी एक भैया आएंगे जो कि मेरे को आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताएंगे, सो थोड़ा वेट करो गाइज। दोस्तों फाइनली अदनान भाई फ्री हो गए, तो वो आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता देंगे यहाँ के बारे में। तो अदनान भाई, ऑल गुड ब्रदर, और तो यहाँ के बारे में कुछ बताओ। लाइक जी टाउन काफ़ी बड़ा है, इवन मैंने विजिट किया, पूरा अंदर चेकआउट किया, तो काफ़ी बड़ा है, तो इसके बारे में बताओ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें वैसे मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ स्कॉच व्हिस्की, ब्रांडेड व्हिस्कीज एंड अ रम सेक्शन वी हैव। अच्छा, रम भी है, व्हिस्की, वोडका, वाइन, ऑल ऑफ द लिकर्स यू कैन फाइंड। अच्छा, मतलब हर एक चीज यहाँ पे मिल जाता है। स्टार्टिंग विद द व्हिस्की ब्लेंडेड स्कॉच इज इट 100 पाइपर्स। ओके, ये 100 पाइपर्स का है। सो इट्स अ वेरिएंट ऑफ थ्री वेरिएंट्स इन दैट 8 इयर्स। ओके, ब्लेंडेड 8 इयर्स विद अ सिंगल मॉल्ट ब्लेंड इज इट, एंड 12 इयर्स ऑफ एजिंग। और ये 12 इयर्स का है, तो इसकी क्या प्राइस होगी अभी वैसे? इट्स 1350 एट द। अच्छा, 1350 की। और ये मतलब और जगहों पे तो महंगी होगी है, अगर हम बाहर से लेते हैं, बाहर से परचेज करते हैं हम, तो अराउंड 1800 और 2000 लगभग, मतलब 1800-2000 रुपए का पड़ता है, और यहाँ पे 1350 का है। और ये ऑल जेन्युइन प्रो है ना? है ना, स्कॉच ब्लेंडर स्प्राइट इज इट। ओके, और इसमें में क्या 600 फॉर द बॉटल? अच्छा, 600 रुपीस, 600 फॉर, ओके, एंड प्राइस आउटसाइड तो इट्स अराउंड 800। अच्छा, 800 के करीब। इफ यू buy in a bulk options, you can 3 or a carton, so we have a discounted prices. Okay, अगर कुछ ज़्यादा लेंगे तो कुछ कम भी हो जाएगा। Already discounted. Okay. ये था रॉयल स्टैक। अच्छा, ये रॉयल स्टैक है गाइस, जो कि आप देख सकते हो। अच्छी विस्की जिसको चाहिए। अच्छा, रॉयल स्टैक इज अ गुड ऑप्शन फॉर स्टार्टिंग गाइस एंड। ओके, तो इनकी क्या कॉस्ट होने वाली है? इट्स 450। 450 रुपीस के, और आउटसाइड? आउटसाइड इट्स 500 के। अच्छा, मतलब 500 कम से कम है, ज्यादा वेरिएंट नहीं है। अगर हम बल्क में लेते हैं इसको, हाँ, तो हमारे पास। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, जो कि गाइस आपको और काफी सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, जो कि गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और सबसे ज्यादा मतलब ये बिकता है ना, ओल्ड मंक। ओल्ड मंक यार, ये तो सबको है।
सब कुछ ही होता है मतलब सर्दियों में, कुछ आपको मेडिकल पर्पस से यूज़ किया। अच्छा मेडिकल पर्पस से भी रम इज यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस, सर्दी मौसम है गर्मी के लिए चाहिए सबको, क्या तो इसमें। और ओल्ड मंग में भी हमारे पास चार वेरिएंट मिल जाएगा। अच्छा चार वेरिएंट से आप में ओल्ड मंग में चार वेरिएंट जो कि गाइस आप देख सकते हो, और काफी इसकी यार बॉक्स तो काफी अच्छी होती है, मतलब बॉटल्स गाइस देखना कितनी प्रीमियम होती है इसकी, वाओ देखने में। और नीचे भी आपको गाइस ओल्ड मोंग के मिल जाएंगे जो आप देख सकते हो गाइस। तो इनकी क्या कॉस्ट होने वाली है वैसे? सो इसकी कॉस्ट आ जाती है आपको रेगुलर ओल्ड मोंग जो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं 350 रुपीस की। अच्छा 350 ओल्ड मोंग गोल्ड रिजर्व आता है जो एज होता है 12 इयर्स और एज। अच्छा वो 450 के रेंज में आता है। अच्छा तो इस हिसाब से सारी चीजें होती है जो कि डिफरेंट प्राइसिंग। ओके मतलब जो जिसका ज्यादा पुराना होगा उसके उतना प्राइस होता है। प्राइसिंग ओल्ड मोंग लेजेंड इज द प्रीमियम ब्रांड इन ओल्ड मोंग। ओके ये वाला है अच्छा। और इसकी क्या प्राइस है और ये कौन सी है? 850। अच्छा और लेजेंड इसमें लीटर ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा हमारे पास, वो आपको 1150 के प्राइसिंग। अच्छा इससे थोड़ा बड़ा अगर लीटर में चाहिए तो। तो गाइज आप देख रहे हो गाइज कितने सारे ब्रांड्स हैं, इवन गाइज ये सारे 500 से प्लस ब्रांड्स हैं गाइज, जिसके बारे में अगर एक एक करके बताएंगे तो 5 घंटे से भी ऊपर की वीडियो हो जाएगी। तो हम थोड़ा थोड़ा मेन चीज़ें दिखा रहे हैं आपको। तो अभी भैया थोड़ा काम कर रहे हैं तो गाइज आपको मैं और चीज़ें दिखाता हूँ। स्टाल वॉकर भी मिल जाएंगे विस्की गाइस, जो कि गाइस आप देख सकते हैं काफी सारे विद द ग्लास पैकिंग इन विद। अच्छा इसके अंदर ग्लास भी है, ग्लास पैकिंग के साथ ये प्रोवाइड कर रहा है आपको। 600 की बॉटल है सिंगल, ये आप 3 बॉटल या आपसे ज्यादा बल्क लेते हैं तो इसमें डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब अगर 3 से ज्यादा लेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। और ये 600 रुपए की बोतल है आ जाता है प्रीमियम ब्रांड्स में जो ब्लेंडेड विस्कीज के अंदर अच्छी विस्की मानी जाती है। अच्छे सबसे प्रीमियम विस्कीज में आती है, है? प्रीमियम विस्कीज में लेकिन अच्छा ब्रांड है विस्कीज के अंदर प्रीमियम। अच्छा स्टर्लिंग भी है, V10 भी आता है इसमें। अच्छा V10 भी आता है, V10 आ जाता है इसमें, V10 इसमें भी आ जाएगा आपको। ओके ये V10s वाला इसी का है मतलब, है ना? रॉकफोर्ड क्लासिक जो कि अच्छी स्मूथ और लाइट विस्की जिन कस्टमर्स को पसंद है अच्छा उनके लिए वेरिएंट अच्छा है रॉकफोर्ड क्लासिक और रॉकफोर्ड गोल्ड रिजर्व। अच्छा। दोनों ही प्रीमियम ब्रांड्स। अच्छा दोनों ही प्रीमियम है विस्की में, इनमें दो वेरिएंट्स आपको अवेलेबल है। और आपको किसी को कोई सजेस्ट करना हो तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? सब डिपेंड्स होता है सब गेस्ट के अच्छा उसके अच्छा उनका टेस्ट कैसा है, उनका पैलेट कैसा है, अच्छा कैसी विस्की पसंद है। मोस्ट ऑफ द कि कोई लाइट विस्की पसंद करता है, कोई स्ट्रॉन्ग विस्की। अच्छा स्ट्रॉन्ग, हाँ ये भी है। वॉडकास्ट में सेक्शन आ जाएगा जो कि गाइस वॉडकास्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको काफी सारे वॉडकास्ट के मैजिक मोमेंट्स आ जाएगा हमारे पास, मैजिक मोमेंट मिल जाएगा, स्मिर्नॉफ मिल जाएगा इंडियन सेक्शन में। अच्छा प्रीमियम वॉडका है स्मिर्नॉफ। अच्छा सबसे ज्यादा मतलब सेल होता है, सेलिंग वॉडका है। फिर भी आपको ये सारे अलग अलग फ्लेवर्स है ना सर? हाँ जी। अच्छा स्मिर्नॉफ के अंदर आपको ग्रीन एप्पल, ऑरेंज, कॉफी, प्लेन रेगुलर प्लेन भी मिल जाएगा। ओके बाकी गाइज आपको यहाँ पे एक ही रम में ऑप्शन नहीं मिलेंगे, यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि गाइज आप देख सकते हो इसके अंदर आपको कैप्टन मॉर्गन भी मिल जाएगा या मैकडोल्स भी मिल जाएगा जो कि गाइज एक देख पा रहे हो। तो इनकी क्या कॉस्ट होने वाली है वैसे? सो कैप्टन मॉर्गन हमारे पास आपको 450 के प्राइसिंग में मिल जाएगा। अच्छा ये 450 रुपए की है, 50 की मिल जाएगी अगर आप इसके 3 बॉटल्स लेते हैं तो 1050 फॉर 3 मिल जाएगा। अच्छा और फिर वो कितने डिस्काउंटेड प्राइस हो जाता है? ओके मतलब अगर 3 लेंगे तो और सस्ता पड़ जाएगा, और सस्ता मिल जाएगा। वाह और इन इसमें 350 का है आपको 994 3 मिल जाएगा। अच्छा गाइज आपको और भी इसमें बिस्किट्स में मिल जाएंगे जो कि गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज आपने नाम सुना ही होगा इसका ब्लैक डॉग का, तो यहाँ पे ब्लैक डॉग भी मिल जाएंगे। इसमें भी आपके पास काफी सारे हैं ना? ब्लैक डॉग में 2 वेरिएंट्स आ जाते हैं हमारे पास, ब्लैक डॉग 8 ईयर्स सेंचुरी एंड ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व। अच्छा और इनकी क्या कॉस्ट होने वाली है? ब्लैक डॉग 8 ईयर्स आपको मिल जाएगा 1100 रुपीज में। अच्छा इधर आपको ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व आ जाता है आपका 1350 की प्राइस। अच्छा 1350 के ऑफर प्राइसिंग चला हुआ है। अच्छा और एक्चुअली प्राइस ये नहीं है इसका, ये नहीं है एक्चुअल प्राइसिंग इसका, हमारे पास 1700 रहता है। अच्छा 1700 रुपए होता है, तो मतलब अभी ऑफर पे है, ऑफर में हमने। और लोकल में तो फिर और महंगा होगा ये अराउंड 1800 और 1900। अच्छा मतलब 1900 रुपए का आउटसाइड में इनकी प्राइस है। बर्बन विस्की है जो IMFL में सेक्शन में आती है। अच्छा गाइस जो कि आप देख सकते हो बाकी इधर टीचर्स है विद ग्लास आ रहा है हमारे पास। अच्छा इसके साथ ग्लास भी है इसके अंदर, है ना? ओके ओह दैट्स नाइस, ग्लास भी है, वाओ। इसमें और भी है टीचर्स में, टीचर्स में अलग अलग वेरिएंट्स आ जाते हैं, टीचर हाईलैंड आ जाता है, टीचर 50 आ जाता है, टीचर
12 ओरिजिन आया है वो तो नीचे वाला भी स्क्रैच, जो कि गाइस आप देख सकते हो ये सारे गाइस आपको टीचर के सेक्शंस मिल जाएंगे, जो कि गाइस आप देख पा रहे हो आपको जिसमें हम जिम में मिनिएचर मिल जाएंगे आपको। अच्छा मिनिएचर, अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो सबसे बेस्ट है देना है या किसी को कंजप्शन है स्मॉल या बेसिकली यूज ऑफ। अच्छा कहीं ले भी जाओ, सो पर्स वर्स में लेके चले जाओ मिनिएचर दे सकते हैं उसके अलावा। वाओ केक्स में यूज करते हैं, केक में डेकोरेशन पर्पस के लिए मिनिएचर्स का यूज होता है। अच्छा सेटअप के लिए मिनिएचर्स का यूज। अच्छा मतलब जो किसी सेटअप वेटअप करना हो तो उनके लिए भी हो जाता है। तो गाइस आपको पूरा टीचर्स का मिनिएचर्स मिल जाएंगे, जो कि गाइस आपने देखा। तो गाइस अभी तक आपने डार्क रम देखा होगा, जो कि गाइस आपने देखा। अब गाइस मैं आपको व्हाइट रम लाइक फ्लेवर्ड वाले रम्स दिखा देता हूँ, उसके कलेक्शन जो कि बकाडी में अवेलेबल है गाइस, जो कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे काफी सारे इसके अंदर बकाडी वाइट आ जाता है एक ऑप्शंस में। ओके व्हाइट रम के ऑप्शंस में बकाडी के अंदर आपको ग्रीन एप्पल फ्लेवर मिल जाएगा। अच्छा ये फ्लेवर्स वाले होते हैं, ये फ्लेवर आ जाएगा इसमें बकाडी ग्रीन एप्पल आपके। अच्छा ये ग्रीन एप्पल का है, प्रोवाइड हो जाएगा हमारे पास। और वो कौन से फ्लेवर का है वो? ये प्लेन है। अच्छा प्लेन, ओके। फिर आपको बकाडी लिमोन अवेलेबल हो जाएगा, लिमोन इसमें लेमन वाला होगा फ्लेवर बेसिकली इज इट। अच्छा और इनकी क्या कॉकटेल पर्पस और विद फ्लेवर ड्रिंक्स। अच्छा उसी के लिए मतलब ये यूज बेसिकली है। और इनकी क्या कॉस्ट होने वाली है वैसे? बकाडी फ्लेवर आपको 700 की रेंज, 700 में। और आउटसाइड कितना होगा? 1900। अच्छा मतलब 1000 के करीब जाएगा। ओके आपने आज तक देखा होगा कि लाइक फ्रिज के अंदर बियर सब होती है, बट गाइस मैं आपको अभी रूम दिखाने वाला हूँ, जो कि गाइस आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे पहले से टेम्परेचर सेट कर रखा है, जो कि गाइस आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिख रखा है अंदर। तो अभी मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ, जो कि गाइस आप देख सकते हो। तो यहाँ पे गाइस सारे के सारे गाइस बियर रखे हुए हैं, जो कि गाइस आप देखो पूरा रूम बना रखा है जिसके अंदर गाइस आप बियर ठंडे हो रहे थे। मुझे भी थोड़ा बहुत ठंड लग रहा है यार, जो कि गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे कैंस में भी बियर अवेलेबल है, जो कि गाइस इवन आप देख सकते हो सारे बियर्स है, जो कि गाइस आपने गोवा में भी देखे होंगे कुछ कुछ, और कुछ कुछ गाइस वैसे भी जो आप नॉर्मल पीते हो, ये किंग फिशर हो गया, ये हो गया, इसमें काफ़ी सारे गाइस बियर है, जो कि मैं भी एक बार कभी अगर फ्यूचर में अगर मैंने पीना स्टार्ट किया तो ये वाला ट्राई जरूर करूँगा, क्योंकि मैंने गोवा में भी देखा था ऐसा ही एक बियर। तो गाइस देख लेना काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो गाइस आपने डोमेस्टिक सेक्शन देख ही लिया गाइस, तो अब मैं आपको गाइस इंपोर्ट सेक्शन में जा रहा हूँ, जहाँ पे गाइस सारे आपको इंडिया से बाहर सबके गाइस रम विस्की वोडका वाइन सारी चीज़ें मिलने वाली है, जो कि गाइस आप दूर दूर तक यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं एक एक करके चीज़ें हाईलाइट दिखा देता हूँ। इंपोर्ट सेक्शन में हमारे पास ब्लेंडेड विस्कीज आ जाती हैं, सिंगल मॉल्ट विस्की आ जाती हैं, ब्लेंडेड मॉल्ट विस्कीज अवेलेबल हो जाती हैं। अच्छा और ये सारे इंडिया से बाहर के हैं ना? ये सब इंपोर्ट है आपका। स्कॉच विस्कीज मिलेगा, स्कॉच सिंगल मॉल्ट मिलेगा आपको। ओके इसकी बॉक्स देखो काफ़ी अच्छी बना रखी है, प्रीमियम है ना, जो कि गाइस आप देख पा रहे हो। तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। ये सर रॉयल सल्यूट 21 प्रीमियम विस्की की कैटेगरी में आता है। रॉयल सल्यूट जो ब्लेंडेड स्कॉच बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज करते हैं ये लोग। अच्छा इनका स्टार्टिंग ही रॉयल सल्यूट 21 से होता है। 21 लोग सोचते हैं हमने 15 साल विस्की बना ली, 16 साल विस्की बना ली, 18 साल विस्कीज बना ली, उनकी स्टार्टिंग सल्यूट का मानना है हम इनसे बेटर विस्कीज बनाएंगे। तो इन्होंने स्टार्टिंग इतने से करी, बेसिक रेंज 21 रॉयल सल्यूट 21 से स्टार्ट होता है। ओके मतलब 21 साल से, 21 साल की एजिंग से इनके ब्रांड की स्टार्टिंग होती है। जहां लोग सोचना बंद कर देते हैं वहां से ये नई प्रोडक्शन अपनी शुरुआत करते हैं। इसमें रॉयल सल्यूट 21 आ जाता है हमारे पास, रॉयल सल्यूट 38 आ जाता है हमारे पास। अच्छा ये 38 है, जो कि गाइस आप देख सकते हो ये तो काफी प्रीमियम होगा, लाइक 38 साल पुरानी है। 38 इयर्स पुरानी है, 65,000 का हमारे पास प्राइसिंग। अच्छा वो 65,000 की होगा, 65,000। और ये सर ये क्या? ये मैकेलन रिफ्लेक्शन है आपका, 2,40,000 का। अच्छा 2,40,000 रुपए का ये। हाँ और ये क्या सर विस्की है? ये आपका विस्की, इसकी तो गाइस आप विस्की देख, सिंगल मॉल्ट विस्की है। अच्छा सिंगल मॉल्ट विस्की है गाइस, जो कि आप प्राइस देख सकते हो कुछ 2,40,000 रुपए की। पैकेजिंग आ जाती है डिफरेंट डिफरेंट, 12 इयर्स जो शहरी और नॉर्मल ओक में आता है, और ये 10 ईयर एज 10 इयर्स ऑफ सिंगल मॉल्ट है, सिंगल मॉल्ट विस्की इसकी कैटेगरी में है। Okay. जो कि प्राइसिंग बहुत अच्छे प्राइसिंग में हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं इसको, 4700 में आपको जूरा सिंगल मॉल्ट्स मिल अवेलेबल। और ये आउटसाइड कितने का मिल रहा है जूरा? ये अराउंड 5500। वाओ काफ़ी कम प्राइस में, वेरी चीपेस्ट प्राइस वी हैव ऑफ जूरा। बेलविनी 14, बेलविनी 17। ओके गुड सेल्फ ऑफ फिडिच 15, 12, 18। अच्छा इसमें भी आपको सारे मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे।
तो इन सब में आप देख सकते हो गाइस ऑफर भी दे रखा है। अगर आप ऑफर 3-3 बॉटल्स आप लेते हैं हमारे पास या बल्क में स्टॉक ले रहे हैं तो हमारे ऑफरिंग प्राइस बहुत अच्छे हैं। और अगर अगर अलग अलग फ्लेवर में या अलग अलग कैटेगरीज में ले तो उसमें भी हो जाएगा। कैटेगरीज में मोस्ट ऑफ देम सिमिलर ब्रांड्स अगर लेते हैं, 3-3 बॉटल्स अगर लेते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बल्क में अगर कार्टन प्राइसिंग पे लेना है आपको कार्टन प्राइसिंग में अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, हमारे पास जेमसन रेगुलर विस्की एंड जेमसन कास्कमेट अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, इसमें भी दो है, दो वेरियंट सर। ये तो जापानीज में कुछ लिखा हुआ है। जापानीज विस्कीज में हमारे पास हातोजाकी आपको रिसीव हो जाएगा। हातोजाकी काइरेन मिल जाएगा आपको। ये शायद जापानीज है ना, जापानीज विस्की है हमारे पास। ओके, और ये सर इसकी तो बोतल भी काफी प्रीमियम है। फ्लेवर्ड में ऑप्शन मिल जाएंगे आपको हमारे पास। और ये क्या है सर? वोडका के अंदर। अच्छा, वोडका के अंदर थ्री फ्लेवर्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, और ये भी इंडिया से बाहर के है ना? वोडका है आपका, स्वीडिश वोडका। अच्छा, स्वीडिश वोडका है। ओके, और इसमें भी तीन फ्लेवर अवेलेबल है। फ्लेवर्स में है प्लस इसमें प्लेन अवेलेबल आया। अच्छा, प्लेन भी है मगर किसी को चाहिए तो प्लेन भी। ओके, मैकलन 12 आया था। अच्छा, मैकलन 12 जिसको क्रीमी फ्रूटी टेक्सचर में वोडका काफी अच्छा प्रीमियम बॉटल है इसका। प्रीमियम विस्कीज में की कैटेगरी में आ जाता है। मैकलन 15 हमारे पास अवेलेबल है जो कि अभी 20,000 की प्राइसिंग में। अच्छा, 20,000। और ये आउटसाइड कितने का है? 25 समथिंग। अमेरिकन विस्कीज या बर्बन विस्कीज की तो उसमें हमारे पास टेनेसी विस्की अमेरिकन में JDA अवेलेबल हो जाएगा। जैक डेनियल रेगुलर है, बहुत फेमस ब्रांड है जैक डेनियल्स विस्की। इसमें भी आपको JD नंबर 7 अवेलेबल हो जाएगा। JD हनी जिसको स्वीट विस्की पसंद है फॉर शॉर्ट्स पर्पस जिनको लेना। अच्छा, स्वीट्स। अगर ये थोड़ा हनी होता है इसके अंदर, मीठा होता है, स्वीट विस्की है ये। ओके, तो जिसको शॉर्ट्स पीने का शौक है विस्की शॉर्ट्स तो उनके लिए अच्छी विस्की है, सबसे बेस्ट होता है। ब्लेंडेड माल्ट्स विस्कीज में हम बात करें तो हमारे पास मंकी शोल्डर अवेलेबल हो जाता है। ओके, जो कि गाइस आप देख सकते हो सारे, और ये सारे इंपोर्ट्स हैं ना। ओके, हमारे पास जो रेगुलर बहुत ही फेमस ब्रांड है, काफी अच्छी ब्लैक लेबल व्हाइट वॉकर। ये बॉटल है, काफी प्रीमियम बॉटल है गाइस, देखना कितनी अच्छी इसकी बॉटल्स है, बॉटलिंग काफी अच्छी दी गई है। बाकी आपको इसमें ब्लैक 200 ये इनकी क्या कॉस्ट होने वाली है सर? ये लिमिटेड एडिशन है ब्लैक लेबल का, ये कॉस्टिंग आपको 2150 का प्राइसिंग में। अच्छा, 2150। ओके, और ये मतलब एडिशन बनाया गया था, स्पेशल एडिशन है 200 इयर्स ऑफ जॉनी वॉकर को लॉन्च हुए हो चुका है। अच्छा, तो उसमें उन्होंने बनाया, उन्होंने न्यूली लॉन्च। ओके, प्रीमियम विस्कीज की कैटेगरी है जॉनी वॉकर 28 इयर्स ऑफ एजिंग है वो हमारे पास अवेलेबल है। और इसकी क्या कॉस्ट होने वाली है? इट्स 70,000 फॉर द कॉस्ट। 70,000 रुपए में आपको जॉनी वॉकर अल्टीमेट 20 और ये 28 है, 28 ईयर 28 ईयर्स ऑफ एजिंग हो जाता है इसकी सर। ये फिर इसके बाद जॉनी वॉकर घोस्ट एंड रेयर हमारे पास अवेलेबल है जो कि एक बहुत ही रेयर विस्कीज है, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। ओके, जो कि गाइस आप देख सकते हो। और इसकी क्या कॉस्ट होने वाली है? 17,000। ओके, 17,000 रुपये। तो गाइस आपने विस्कीज देख लिया, गाइस आपने यहाँ पर रम भी देख लिया, तो गाइस मैं आपको और भी इसमें गाइस इंपोर्टेड वोडका दिखा देता हूँ जो कि गाइस गर्ल्स सब भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और मैं सबसे बताऊँ गाइस यहाँ पे हर कोई आ सकता है, लाइक इवन गर्ल्स भी यहाँ पे सेफली आ सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे गर्ल्स भी देखे जो कि 25-26 ईयर ओल्ड सब के यहाँ पे गर्ल्स भी बाय कर रहे थे, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। बाकी गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे और भी आपको गाइस इंपोर्टेड वोडकास मिल जाएंगे जो कि गाइस आप देख सकते हो, इवन और भी है यहाँ पे। बाकी गाइस एक और जगह मैं ले जाता हूँ जहाँ पे आपको और ज़्यादा मिल जाएंगे, जहाँ पे भैयाज हैं यहाँ पे, जो कि गाइस आप देख सकते हो ये सारे जैसे वोडका आ जाए ना, ये सब वोडका अवेलेबल आ जाएंगे आपका हमारे पास। ओके, तो और ये वाला तो मैंने काफ़ी देखा है, मतलब प्रीमियम वोडका। ओके, इसकी बॉटल आउटसाइड भी मतलब सेल आउट होती है। अच्छा, बहुत अच्छी वोडका मानी जाती है। अच्छा, ओके, और ये सर रशियन स्पीच, रशियन स्प्रिट, रशियन वोडका है आपका। ओके, प्राइस स्टिल्ड है, स्मूथ वोडका है। और इसकी प्राइस क्या है? 700 है सर, काफी अच्छी प्राइस, बट इट्स अ गुड वोडका है ना। 700 रुपीस में काफी अच्छी प्रीमियम बॉटल्स, प्रीमियम वोडका है ना। और एक ये इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, देखना गाइस, ये देखना एस कैसे बन रखा है स्मोक। ये दोनों अलग अलग वोडका है, एक साथ लेना होता है? No, it's a similar brand, but it's a, one is a plain vodka, other is a flavored vodka. Okay, अगर so किसी को चाहिए हो तो दोनों ले जाते हैं। Flavored vodka पसंद है, वो flavored इसमें ले सकते हैं, जो कि any seed flavored vodka है। Okay, बाकी इसकी तो यार काफी अच्छी लग रही है, मतलब इसकी मैं मोटा आया था है रशियन वोडकास की कैटेगरी में। अच्छा, ये रशियन है।
गाइस इसकी काफी अच्छी मतलब बॉडी है ना, थोड़ी सी बैंड है इसे, हॉर्न बॉटल बेसिकली। अच्छा हॉर्न, हॉर्न बॉटल, ओके। जैसे लाइक एज हाथी का दांत, हाथी का दांत जैसा, हां हॉर्न बॉटल, ओके। इसके बारे में कुछ बताना सर, ये क्लोज वोडका, 3 किलो वोडका, 3 किलो। इसे हॉलैंड का वोडका है, बहुत ही अच्छा। अच्छा ये हॉलैंड का है, हॉलैंड वोडका है, ओके। तो ये पूरा मतलब एक ब्रिक बना रखा है गोल्ड की तरह, गोल्ड ब्रिक की शेप में बॉटल का लॉन्च किया है इन्होंने, काफी अच्छा। और ये वोडका है ना, वाह। वोडका भी देख लिया, विस्की भी देख लिया, रम भी देख लिया। तो बाकी गाइस मैं आपको यहाँ पे टकीला भी दिखा देता हूँ, अभी आपको टकीला भी मिल जाएगा, जो कि गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे अवेलेबल है। जो कि गाइस इनके बॉक्स देखो काफी अच्छे अच्छे, तो इसके अंदर टकीला है सर, ये टकीला है, टकीला है जो 100% अगावे के यूज से बना हुआ है। बॉटल लुक देखना कितना अच्छा बना रखा है, ये टकीला है इसके अंदर है ना, इसे क्रिस्टल शेप बॉटल इज इट, ओके। सिल्वर टकीला व्हिच इज यूज्ड 100% ऑफ अगावे इन दिस। अच्छा अगावे, ओके। और ये भी सारे टकीला है, ये टकीला है, इसमें आपको सिल्वर गोल्ड हमारे पास होजे में मिल जाएगा, मेस्कल मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आपको और भी सारे टकीलाज मिल जाएंगे फ्लेवर के साथ, जो कि गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बाकी इसके बारे में बताना सर, ये काफी अच्छा लग रहा है देखने में, ये क्या है इसके अंदर? जैसे लिक्योर बेसिकली। अच्छा लिक्योर, और इसको कैटेगरी में आते हैं जो भी डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट वाइज है, टेस्ट लिक्योर है। अच्छा हमारे पास रोज लिक्योर आ गया। अच्छा इसको कैसे वैसे पीते हैं जैसे नॉर्मल सब पीते हैं? कंज्यूम विद नीट और विद मिक्स विद। अच्छा नीट, अच्छा कॉकटेल के साथ में, कॉकटेल बटर, ओके। और ये सारे फ्लेवर्स में है ना, ये फ्लेवर लिक्योर है, ओके। कॉकटेल अगर जिसको जल्दी है बनाने के लिए, हाँ तो वो ये यूज कर सकते हैं लोग, जिनको अगर शॉर्ट्स पीने हैं, अगर आपको गाइस यहाँ पे लिकर्स के शॉक्स है तो गाइस आप ये एप्सिंग्स यूज कर सकते हो, काफी अच्छा है गाइस। इसके भी काफी सारे कैटेगरी होते हैं ना सर, और इसमें भी काफी सारे हैं जो कि आप गाइस देख सकते हो, इसके नीचे भी आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। और बाकी आप गाइस इधर भी देख सकते हो, इधर भी आपको मिल जाएंगे सारे। आपने विस्की, वोडका, रम, इवन आपने गाइस टकीला भी देख लिया, तो अब मैं गाइस आपको यहाँ पे जिन दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और इसमें काफ़ी सारे गाइस वेरिएंट्स और काफ़ी सारे अलग अलग इम्पोर्टेड ब्रांड है, जो कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे गाइस जिन है ना सर? ये जिन है सर, ओके। जो जिनको जींस चाहिए हो तो गाइस वो ले सकता है यहाँ पे, आपको और भी मिल जाएंगे। हमारे पास किंग्स मिल जाएगा, अच्छा पिंक जिन है, फ्लेवर्ड जिन जिनको कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा ये फ्लेवर्ड है, किसी को फ्लेवर्ड जिन प्रोवाइड चाहिए तो हमारे पास ऑरेंज, लाइम, कुकुम्बर ये मिल जाएगा। अच्छा ये सारे मतलब जींस के कैटेगरी कैटेगरीज है, जिसमें हमारे पास प्रीमियम ब्रांड्स है, जो क्राफ्टर जिन आ जाएगा हमारे पास, आपको रोकू अवेलेबिलिटी हमारे पास मिल जाएगी आपको, ओके। डच करेज आ जाएगा, लाजिन आ जाएगा, ओके। डार्क्विंस, मंकी, सारे जींस हैं, मंकी 47 भी मिल जाएंगे आपको। जो अच्छी जींस है, प्रीमियम जींस है हमारे पास, वो अवेलेबिलिटी हो जाएगी। आपने देखा कितने तरह की गाइस विस्की दिखाई, जापानीज विस्की, फिर बर्बन, पता नहीं कौन कौन सी गाइस विस्की थी, जो कि गाइस यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। और सारे गाइस आपको ऑल ओवर एशिया में मैं लिख के देता हूँ, गाइस इससे कम प्राइस में नहीं मिलेगा कहीं पे भी। और इवन गाइस आप बल्क में लोगे तो और सस्ता मिलेगा, कुछ भी लोगे गाइस 3 से ज़्यादा लोगे तो आपको बल्क में मिल जाएगा, इवन कार्टर में लोगे तो यार और आपको सस्ता मिल जाएगा। और साथ में गाइस कुछ कुछ मेरे को पता चला कि अगर आप कुछ यहाँ से बाई करते हो तो आपको कुछ चीज़ें ऐसे गिफ्ट में भी मिलती है, लाइक एक बंदे को भी लगेज भी लेके गया था यहाँ से शायद, तो देख लेना गाइस काफ़ी अच्छा है, एक बार एटलीस्ट विजिट जरूर करना। और यहाँ पे कोई भी आ सकता है, जो भी मतलब फ्री है, काफ़ी बड़ा है गाइस जो कि आपने देखा। बाकी और भी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, जो कि अगर मेरे को लगा दिखाने लायक, क्योंकि गाइस काफ़ी बड़ा है अगर मैं देखा जाऊँ, अगर एक एक बॉटल्स की मैं बात करूँ तो गाइस ये कम से कम 5 घंटे से भी ऊपर की वीडियो बन सकती है अगर एक एक चीज़ें दिखाऊँ। बाकी गाइस यहाँ पे आपको गिफ्ट के सेगमेंट्स में भी मिल जाएंगे, अगर आपको किसी को वाइन्स गिफ्ट करना है तो गाइस आप देख सकते हो, पूरे गिफ्ट की तरह इसको रैप कर रखा है, जो कि गाइस आप ये देख सकते हो, इसको पूरा गिफ्ट रैप की तरह दे रखा है, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है गाइस आपको मैं यहाँ पे शैम्पेन भी दिखा देता हूँ, एक स्पार्कलिंग वाइन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि गाइस आप देख सकते हो। ये सारे शैम्पेन है ना सर? ये शैम्पेन की कैटेगरी है, जिसमें मोए इज अ प्रीमियम ब्रांड, मोए रोजे इज अ प्रीमियम ब्रांड, लॉरेंट पेरियर इज अच्छा ब्रांड आ जाता है, और ये भी सारे ऊपर भी डॉम पेरिग्नॉन जो विंटेज है 2008 हमारे पास। अच्छा 2008 के मतलब शैम्पेन भी अवेलेबल है, ओके। और ये सारे स्पार्कलिंग है, स्पार्कलिंग वाइन्स में हमारे पास आपको ब्रूट मिल जाएगा, प्रोसेको मिल जाएगा आपको।
बाकी गाइज मैं बता देता हूँ, ये गाइज जी टाउन रोड है सेक्टर 40 में, यहाँ पे इनके और भी ब्रांचेज है, अगर जो आपके पास पड़े तो आप देख लेना, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में सबके एड्रेस डाल दूंगा, इवन गाइज आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर अवेलेबल हुआ मेरे से हुआ तो वो भी मैं डाल दूंगा। तो गाइज एक बार जरूर विजिट करना, यहाँ पे कोई भी आ सकता है गाइज ले सकता है, और इससे कम प्राइस में गाइज आपको NCR में बहुत मुश्किल से ही मिलेगा, और जो जो प्रोडक्ट इन्होंने दिखाया वो और NCR में कहीं पर अवेलेबल हो वो पॉसिबल नहीं है, जैसे उन्होंने खुद भी बताया। तो बाकी गाइज आप देख लेना, बाकी अब मैं यहाँ से निकल के बात करता हूँ। दोस्तों अब तो मैं उस जगह से निकल गया, तो गाइज मैं आपको बता दूं, मैंने भी अपने एक मामा के लिए ये वाला लिया, क्योंकि मेरे मामा ने भी बोला था कि वहीं से लियो सबसे बेस्ट होती है, इसलिए मैं गया था गाइज। तो बाकी गाइज अब मैं यहाँ से घर जाके बात करता हूँ आप लोगों से, मैं थोड़ा कैब का इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों अब तो मैं उस जगह से आ चुका, तो गाइज आपने देखा कितना बड़ा लिकर शॉप था गाइज, तो गाइज आप वहाँ से बाय कर सकते हो गाइज, काफी कम प्राइस में सारी चीजें मिल रही थी, इवन आपने देखा होगा गाइज वहाँ पे विस्की, वोडका, रम गाइज सारी चीजें, टकीला सब सस्ते में मिल रहे थे गाइज, इवन ड्यूटी फ्री से भी गाइज काफी कम प्राइस में मिल रहे थे, और अगर गाइज आप 3 प्रोडक्ट लेते हो तो आपको और कम प्राइस में मिल जाएगा, और कार्टर लोगे तो क्या ही कहना। बाकी गाइज आपको मैं बता देता हूँ, जिस जिन चीजों के मैं प्राइस नहीं बता पाया तो आपको गाइज डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएंगे, तो गाइज PDF फॉर्मेट में होंगे, मेरे ड्राइव से अटैच होंगे, तो उसको डाउनलोड करो, और जिनके प्राइस आपको जानने गाइज वहाँ पे जान सकते हो। इवन गाइज इनके काफी सारे और भी ब्रांच है, तो आप देख लेना जो आपको सबसे पास पड़े, मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी गाइज मैंने भी अपने मामा के लिए लिया, आपने देखा होगा गाइज, तो काफी अच्छी जगह है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। इवन गाइज वहाँ पे अंकल आंटी लड़का लड़की कोई भी जाके गाइज बाय कर सकता है, बट यार 18 प्लस होना। बाकी तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी गाइज आप बता दो अगर आपको चोर बाजार का Part 4 चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी दोस्तों मैं नए चैनल पे काफी जल्दी वर्क कर रहा हूँ, कुछ मतलब मैं सरप्राइज कर रहा हूँ, इवन 2 दिन से उसी में लगा हुआ था, तो थोड़ा सा वेट करो गाइज, ऑफकोर्स आई नो आप प्यार दोगे मेरे को उस चैनल पे भी, सो थोड़ा सा वेट करो, कुछ नया सरप्राइज ला रहा हूँ। बाकी तो दोस्तों कुछ नहीं कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके। I'm rich.